डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 जो बोटनी से रिलेटेड है, पादपों में खनिज पोषण, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पिछले टर्म पर हमने लेसन नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन किया था, तो इस पाठ के अंतर्गत हम पौधों के लिए जो आवश्यक जो खनिज तत्व हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक परपोषित और नंबर दो स्वपोषित। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अतः वे स्वपोषित के अंतर्गत आते हैं। तो इस लेसन के अंतर्गत हम पादपों में जो खनिज पोषण है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हरे पौधों में पोषण का अर्थ, हरे पौधों में पोषण का अर्थ मुख्यतः है खनिज पोषण से होता है। हरे पौधों में पोषण का अर्थ मुख्यतः है खनिज पोषण से होता है। पौधे हैं, उनको खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है। तो इसका सर्वप्रथम प्रमाण किसने दिया? पौधों की खनिजों पर निर्भरता, पौधों की खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण ১৮০৪ में डी सॉसर ने दिया था। याद रखिए, पौधों की खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण 1804 में डी सॉसर ने दिया था। आगे हम बात करते हैं पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां कौन कौन सी हैं। पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं की विधियां कौन कौन सी हैं? तो पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं की जो प्रमुख तीन विधियां हैं उनमें नंबर एक है पादप भास्म विश्लेषण विधि। पहली विधि है पादप भस्म विश्लेषण विधि। नंबर दो है बालू संवर्ध प्रयोग, बालू संवर्ध
प्रयोग, और नंबर तीन है जल संवर्धन प्रयोग, जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स हम पढ़ रहे थे पौधों की खनिज पोषक जो तत्व हैं उनकी आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां, उनमें नंबर एक पादप भस्म विश्लेषण विधि है, दूसरी बालू संवर्धन प्रयोग विधि है, नंबर तीसरे जल संवर्धन प्रयोग विधि जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो इन तीनों में जो इम्पोर्टेंट विधि है वो हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों को पोषक विलयन के घोल में, पौधों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है पौधों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर जो पौधे हैं वो मृदा में उगते हैं, लेकिन इस हाइड्रोपोनिक्स विधि के अंतर्गत पौधों को मिट्टी के बिना ही जो पोषक विलयन है, इसका जो घोल है, इसके अंदर उगाया जाता है। तो ये विधि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इस हाइड्रोपोनिक्स जो विधि है उसमें जो पोषक घोल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इस विधि के अंतर्गत बाहर से एक नली एरेटर ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए लगाई जाती है, जो पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ये पोषक विलयन का घोल है। ये पौधों की पौधे की जड़ है। ये जो जड़ें हैं यहाँ पर ओटो की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर एक नली एरेटर लगाया जाता है, इससे ऑक्सीजन जड़ों तक पहुँचती है। तो याद रखिए हाइड्रोपोनिक्स जो विधि है इसके अंतर्गत जो पोषक विलयन होता है इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और बाहर से जो एरेटर है इसके द्वारा जो पादप है उनकी जड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। एक बार पुनः कि हाइड्रोपोनिक्स से क्या तात्पर्य है? पौधों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो पोषक घोल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इस पौधों की जो जड़ें हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए एरेटर लगाया जाता है, और इस एरेटर के द्वारा पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पौधे हैं उनमें जो पोषक जो तत्व हैं उनमें ये उनके अध्ययन की जो विधियां हैं वो तीन हैं, प्रमुख रूप से पादप भस्म विश्लेषण विधि एक, नंबर दो बालू संवर्धन प्रयोग, और नंबर तीन जल संवर्धन प्रयोग। आगे हम पढ़ते हैं जो पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं वे अनिवार्य पोषक तत्व है कितने हैं, उनकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पौधों के लिए
अनिवार्य पोषक तत्व है। पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए सत्रह अनिवार्य पोषक तत्व हैं। यह कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या है, एक नंबर ऑप्शन में 15, दो में 21, तीन में 17 और नंबर चार में 20। तो पौधों के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनकी संख्या है 17, इसलिए तीन नंबर का ऑप्शन 17 वाला राइट होगा। जी जो पौधों के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनको हम एक चार्ट के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। पौधों के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनको सबसे पहले दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक में खनिज पोषक तत्व आते हैं और एक में खनिज पोषक तत्व आते हैं। पादप पोषक तत्व है, इनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। नंबर एक में आता है खनिज पोषक तत्व है और नंबर दो में खनिज पोषक तत्व है। पौधों के लिए जो खनिज पोषक तत्व हैं वे तीन हैं, नंबर एक कार्बन, नंबर दो हाइड्रोजन और नंबर तीन ऑक्सीजन। पौधों के लिए खनिज पोषक तत्वों की संख्या तीन है, जिनमें पहला है कार्बन, नंबर दो हाइड्रोजन और नंबर तीन ऑक्सीजन। खनिज पोषक तत्व हैं उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक है वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है, वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है, और नंबर दो सूक्ष्म पोषक तत्व है। वृत्तमात्रिक पोषक तत्व हैं उनको फिर दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है और दूसरा द्वितीयक वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है। खनिज पोषक तत्वों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर एक है वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है और दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है इसको फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला है प्राथमिक वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है। प्राथमिक वृत्तमात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत नंबर एक नाइट्रोजन, नंबर दो फास्फोरस, नंबर तीन पोटेशियम, वृत्तमात्रिक पोषक तत्वों को भाग बांटा गया है। इसमें पहला है प्राथमिक वृत्तमात्रिक पोषक तत्व है। प्राथमिक वृत्तमात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत एनपीके आता है, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके। द्वितीयक वृत्तमात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत एक नंबर कैल्शियम, नंबर दो
मैग्नीशियम, द्वितीय व्रत है मात्रिक पोषक तत्वों के अंतर्गत, नंबर एक कैल्शियम, नंबर दो मैग्नीशियम और नंबर तीन सल्फर। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत, यानी इधर जो अखनिज पोषक तत्व हैं वो तीन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर खनिज जो पोषक तत्व हैं उनमें पहले वृत्त मात्रिक पोषक तत्व पढ़े, जिसमें एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीय वृत्त मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हैं। सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व हैं उनके अंतर्गत बोरॉन। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत नंबर एक बोरॉन, नंबर दो कॉपर, तांबा इसका प्रतीक है सी, क्लोरीन सीएल, आयरन लोहा एफ, आयरन या लोहा एफ। हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। इन पोषक तत्वों की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आगे मैग्नीज, जिसका प्रतीक Mn होता है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम जिसका प्रतीक होता है Mo, आगे जिंक या फिर जस्ता जिसका प्रतीक Zn होता है, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक और अंतिम है निकल। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व हैं उनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये सारणी जो चार्ट वाली जो सारणी दिखाई दे रही है वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है, ये कंपटीशन और बोर्ड की दृष्टि दोनों से। इनमें वृत्त जो मात्रिक पोषक तत्व हैं और जो सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व हैं उनको एक साथ करके दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वृत्त मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, तीन तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के होंगे और चौथा इसका होगा। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, निम्न में से वृत्त मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, नंबर एक दिया मैंने एमओ, नंबर दो एन, नंबर तीन